हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट एंड एक्रुअल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अब देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है। जब आप गुड्स को सेल करते हो, इन रिटर्न जो आपको कैश मिलता है वो क्या होता है? रेवेन्यू। अब हम इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में? तो देखिए, जब ट्रांजेक्शन हुआ, आपने कुछ सोल्ड आउट करा, जब आपने उसको सोल्ड आउट करा, भले ही वो कैश में किया और फिर क्रेडिट में, आपने भले ही उसे क्रेडिट में किया, आपको पैसा नहीं मिला है, बट ट्रांजेक्शन हो गया, एक बार सामान चला गया, ठीक है, तो हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे कि हम उसको एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बस यही चीज़ आपको दे रखी है, एक बार पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू इज़ अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। रेवेन्यू हम अर्न करते हैं जब हम गुड्स को सेल करते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइन करता है द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू रियलाइज। रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेजर। हम कब मान लेते हैं कि रेवेन्यू कब रियलाइज हो गया, मतलब कब मिल गया? जब जो टाइटल है या फिर जो ओनरशिप है उस सामान की हमने ट्रांसफ़र कर दी किसको? परचेजर को, मतलब हमने उस तक गुड्स पहुँचा दिए। तो एंड व्हेन ही इज़ लीगली बिकम लाइबल टू पे द अमाउंट। जब आपने उसको सामान पहुंचा दिया है तो वो लीगली लाइबल है आपको पेमेंट करने के लिए। अगर आप वो पेमेंट नहीं करता तो आप कोर्ट में केस भी कर सकते हो। तो ये बोलता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या दे रखा है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट में आपको ये दे एक्रुअल कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया गया है, आपने बस ट्रांजेक्शन हुआ है और आपने उसको रिकॉर्ड करना है। आपको कोई मैटर नहीं है कि कैश का इसमें ट्रांजेक्शन, मतलब कैश का पेमेंट हुआ है या फिर रिसीव्ड हुआ है, कोई मतलब नहीं। अगर आपने सेल करी है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे कि भाई हमारे यहाँ से सामान गया, सेल करी, मतलब क्या आएगा? पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। अब चाहे हमारे पास कैश अभी आया हो या फिर नहीं आया हो, बट हमारी साइड से तो सेल हो गई। ऐसे ही आपके एक्सपेंसेस, भले ही आपने उसका पेमेंट किया हो चाहे आपने पेमेंट नहीं किया हो, मतलब आपने उधारी में कर लिया हो, तब भी आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे कि भाई ये तो हमारे खर्चे हैं। तो जो एक्रुअल कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो आपको बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन दिखाता है, पोजीशन दिखाता है आपको आपकी बिजनेस की। क्योंकि देखो, कैश बेसिस में क्या होता है कि सिर्फ हम उसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में हुई हो। हमने सेल तो कर दी, ठीक है, बट जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम उस चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इन अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। इट प्रोवाइड मोर एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। ये आपको काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, कम्पेयर टू कैश बेसिस। क्योंकि कैश में मैंने आपको बताया सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, बट एक्रूअल में हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको एसर्टेन करना है, टू एसर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस, कि आपको कितना फ़ायदा एक्चुअल में हुआ है फिर नुकसान हुआ है फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, एंड टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपको पता करना है कि एक्चुअल में आपको कितना फ़ायदा है फिर नुकसान हो रहा है उस अकाउंटिंग पीरियड में, या फिर एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल पोजिशन है क्या उस अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी सारे एक्सपेंसेज होंगे और जो भी सारी इनकम होगी उस अकाउंटिंग पीरियड की, आप उसको रिकॉर्ड करोगे। वॉट एवर एक्चुअल कैश, चाहे वो कैश में आपने पे किया हो या फिर आपको कैश में रिसीव हुआ हो, डजेंट मैटर, आप सब चीज़ को रिकॉर्ड करोगे। तो ये होता है आपका एक्रुअल कॉन्सेप्ट। आज मैंने आपके साथ दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अगर आपको और प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट देखने हो तो आप वीडियो पहले की चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, ओके, और जो और प्रिंसिपल्स रिमेनिंग हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।